शुरू भी हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर सुनवाई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और सील बंद लिफाफे में इस रिपोर्ट को दाखिल किया गया है। बंगाल पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है और 9 दिन की जांच की प्रगति की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। 13 अगस्त को सीबीआई को ये केस सौंपा गया था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता कांड की सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल की है स्टेटस और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे साजिश के तहत सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी पहले अपने राज्यों की तरफ ध्यान दे। सबसे बड़ी बात है किस तरह से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं, किस तरह से उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी और सबूतों को नष्ट करने के लिए कोशिश सारी इस तरह से की कि उन्होंने ना तो 144 लगाया, ना तो घेराबंदी की, उग्र भीड़ को आने दिया और उन्होंने एक बार ये देखा भी नहीं और अपने पुलिस कमिश्नर को इसके लिए अभी तक बर्खास्त नहीं किया कि क्यों उन्होंने इस FIR पर इतनी देरी से FIR हुई। ये क्यों भूल जाते हैं, बदलापुर की घटना कल ही हुई है, अपने गिरवान में झांक करके देखें तो विपक्ष के ऊपर हमला तो बोलते हैं और ये 10 गुना ज़्यादा 50 गुना ज़्यादा इनके खुद के गुनाह होते हैं, उस गुनाहों पे नज़र डालने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि बंगाल में एक बहुत हिंसात्मक परिस्थिति है और उसमें TMC भी पीछे नहीं है इस बात को भी,